स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ 2023 Hyundai Verna का वॉक अराउंड। सबसे पहले कलर ऑप्शन के बारे में बात करें तो टोटल 7 सिंगल टोन और 2 डुअल टोन कलर ऑप्शन मिलने वाले हैं। आज हमारे सामने है ब्लैक कलर। और प्राइस के बारे में बात करें तो ये टर्बो इंजन ऑप्शन वाला वेरियंट है जिसका एक्सशोरूम प्राइस है 17.37 लैक्स। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यह कार की फ्रंट प्रोफाइल में सबसे पहले मैं दिखाता हूं आपको Hyundai का नया लोगो। सेटिन सिल्वर कलर फिनिशिंग में आपको मिल जाता है बोनट पे Hyundai का लोगो। एंड साथ ही साथ जो सबसे चर्चा में रहा इसका फीचर है वो है ये कनेक्टिंग LED लाइट जो फ्रंट प्रोफाइल में आपको देखने को मिलती है। तो ये आप देख सकते हैं कनेक्टिंग LED लाइट जो ऑल ओवर दी फ्रंट प्रोफाइल आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट इस वेरियंट में आपको एडास भी मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं कैमरा बेस्ड एडास मिल जाता है आपको। नेक्स्ट बात करें फ्रंट ग्रिल के बारे में तो आप देख सकते हैं डार्क क्रोम फिनिशिंग में आपको फ्रंट ग्रिल मिलेगा। फ्रंट बम्पर में पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। 65+ सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं आपको एडास की वजह से जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें हेडलैम्प्स के बारे में तो आप देख सकते हैं LED हेडलैम्प्स मिलते हैं आपको। और टर्न इंडिकेटर्स आपको नॉर्मल हेलोजन वाले मिलेंगे। ये आप देख सकते हैं पार्किंग सेंसर। एंड यहाँ पर आपको ये कटिंग्स मिल जाएंगी। तो ये तो बात हुई फ्रंट प्रोफाइल के बारे में। एक बार आप देख सकते हैं फिर से कंप्लीट फ्रंट प्रोफाइल। और चलिए बात करते हैं अब साइड प्रोफाइल के बारे में। तो ये आप देख सकते हैं कंप्लीट साइड प्रोफाइल का लुक। लॉन्गेस्ट व्हील बेस मिलता है आपको Hyundai Verna में। एंड साइड प्रोफाइल में एज यूजुअल सबसे पहले हम बात करेंगे व्हील्स के बारे में। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिल जाते हैं 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स ब्लैक कलर फिनिशिंग में। चारों व्हील्स में आपको डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं। रेड कलर के ब्रेक कैलिपर्स मिल जाएंगे। एंड आप व्हील प्रोफाइल भी देख सकते हैं 205/55 R16। ये आप देख सकते हैं RBMs डुअल टोन फिनिशिंग मिल जाती है आपको। RBMs पे ग्लॉसी ब्लैक कलर की फिनिशिंग मिलेगी अपर साइड। एंड नीचे आप देख सकते हैं मैट ब्लैक कलर की फिनिशिंग। टर्न इंडिकेटर्स मिल जाएंगे आपको। बी पिलर ब्लैक मैट कलर फिनिशिंग में मिलता है। Hyundai ने एक और अच्छा काम किया है कि जो विंडो फ्रेम पे जनरली आप देख सकते हैं क्रोम की फिनिशिंग मिलती है वहाँ पे Hyundai ने Verna में इसको हटा के क्रोम फिनिशिंग को हटा के सैटिन सिल्वर या फिर डार्क क्रोम कलर की फिनिशिंग दे दी गई है। आप देख सकते हैं डोर हैंडल अगेन डार्क क्रोम बोलें या फिर सैटिन सिल्वर कलर फिनिशिंग में मिल जाएंगे आपको डोर हैंडल्स। को ड्राइवर साइड डोर पे आपको रिक्वेस्ट बटन सेंसर नहीं मिलेगा। और ये आप देख सकते हैं अगेन जो विंडो फ्रेम के बेस पे लाइनिंग मिलती है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छे क्राउन ज्वेल आपको एलिमेंट्स मिल जाएंगे। ये आप देख सकते हैं रेयर व्हील। तो ये तो बात हुई साइड प्रोफाइल के बारे में। और चलिए बात कर लेते हैं अब रेयर प्रोफाइल के बारे में। तो ये आप देख सकते हैं कंप्लीट रेयर प्रोफाइल का लुक। ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा। रेयर विंडशील्ड पे आप देख सकते हैं डिफॉगर हाई माउंटेड ब्रेक लाइट्स। रेयर पैसेंजर्स के कंफर्ट के लिए आपको ब्लाइंड्स भी मिल जाते हैं। ये आप देख सकते हैं Hyundai का लोगो मिल जाएगा आपको बूट गेट पे। Verna की 3D बैजिंग, हालांकि ये बैजिंग जो है 3D तो मिलती है लेकिन ग्लास के अंदर कवर्ड है ये बैजिंग। नीचे आप देख सकते हैं कैमरा। और टेल लैंप्स के बारे में बात करूं तो आप देख सकते हैं काफ़ी स्टाइलिश टेल लैंप्स। यहाँ पे भी आपको कनेक्टिंग LED लाइट मिलती है ऑल ओवर दी रेयर प्रोफाइल। 1.5 टर्बो की आपको बैजिंग मिल जाएगी। रेयर बम्पर में रिवर्स पार्किंग असिस्टेंस के लिए पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कैमरा मिल जाएगा। एंड चलिए बात करते हैं बूट स्पेस के बारे में। तो ये आप देख सकते हैं बूट स्पेस को अब इंक्रीज़ कर दिया गया है बाय 50 लीटर्स। तो अब आपको मिलता है 528 लीटर का बूट स्पेस। एंड स्पेयर व्हील नीचे मिल जाएगा। स्पेयर व्हील प्रोफाइल भी आप देख सकते हैं 185/65 R15। चलिए बात कर लेते हैं इंटीरियर्स के बारे में। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं जो ड्राइवर साइड डोर हैंडल है वहाँ पर आपको रिक्वेस्ट बटन सेंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करें ड्राइवर साइड डोर के बारे में तो ऑल ब्लैक कलर फिनिशिंग में मिलेगा आपको ड्राइवर साइड डोर। यहाँ पे आपको ट्विटर्स मिल जाएंगे। डार्क क्रोम फिनिशिंग में डोर ओपनर डोर आर्मरेस्ट पे ORBM को एडजस्ट करने के लिए आपको बटन्स मिलेंगे। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल ORBMs मिलते हैं। चारों पावर विंडोज मिल जाएंगी। यहाँ पे यूटिलिटी स्पेस एंड सॉफ्ट पैडिंग मिलेगी आपको आर्मरेस्ट पे। नीचे आप देख सकते हैं डोर पॉकेट्स। प्रीमियम बोस के स्पीकर्स मिल जाते हैं आपको। 8 स्पीकर सिस्टम मिलता है। एंड ये आप देख सकते हैं
टर्बो वेरिएंट का फ्रंट डैशबोर्ड, जो टर्बो वेरिएंट आता है वहाँ पे ब्लैक एंड रेड कलर कॉम्बिनेशन मिलता है आपको डैशबोर्ड पे। हैंड फर्स्ट हैंड सेगमेंट इसमें आपको मिलती है। पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, हालांकि हाइट को एडजस्ट करने के लिए फिर भी आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा। बाकी बात करें फ्रंट कैबिन के बारे में तो आप देख सकते हैं ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड कलर की हाईलाइट्स मिल जाएंगी आपको सीट्स पे, लेदर सीट्स मिलती हैं, सीट्स की फिटिंग काफ़ी अच्छी है। ये आप देख सकते हैं ड्राइवर साइड एसी वेंट, रेड कलर हाईलाइट्स मिलती हैं, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, हेडलाइट लेवलिंग एडजस्टर, पैडल स्टार्ट स्टॉप और ट्रैक्शन कंट्रोल, एंड नीचे आप देख सकते हैं स्पोर्टी पैडल्स। चलिए फाइनली बात करते हैं 2023 Hyundai Verna के इंटीरियर्स के बारे में डिटेल में। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कंप्लीट फ्रंट डैशबोर्ड व्यू ड्राइवर सीट से, क्योंकि ये टर्बो वेरिएंट है तो यहाँ पर आपको ब्लैक एंड रेड कलर कॉम्बिनेशन मिल जाता है। बाकी नॉन टर्बो वेरिएंट में ब्लैक एंड बीच कलर का कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको डैशबोर्ड पे। नेक्स्ट बात करें स्टीयरिंग व्हील के बारे में तो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट के साथ आपको टू स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है, टोटल 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिल जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिल जाते हैं आपको, यहाँ पे एडास मिलता है तो उसके कंट्रोल मिलेंगे, एमआईडी को कंट्रोल करने के लिए बटन मिलते हैं, एंड राइट हैंड साइड आपको कंट्रोल मिल जाएंगे वॉल्यूम अप डाउन वॉइस कमांड कॉल कट एंड रिसीव के। और ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पैडल शिफ्टर्स मिल जाएंगे, रेड कलर की आप स्टिचिंग भी देख सकते हैं, लेदर रैप्ड आपको स्टीयरिंग व्हील मिलता है, तो ऑल ओवर दी स्टीयरिंग व्हील आप देख सकते हैं रेड कलर की स्टिचिंग, एंड साथ ही साथ ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिलते हैं तो उसके भी कंट्रोल आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में तो की फॉब मेरे पास अवेलेबल नहीं है इसलिए मैं आपको इसको ऑपरेट करके नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन हाँ मैं आपको बताता हूँ वरना में आपको मिलता है 10.25 साइज का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एंड साथ ही साथ इंफोटेनमेंट सिस्टम भी आपको मिलता है 10.25 स्क्रीन साइज का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। एंड साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज दिखा दूं, ये जो इसका लेआउट है वो इस तरीके से किया गया है ताकि ड्राइवर की तरफ ओरिएंटेड रहे, आप इसको आसानी से ऑपरेट कर पाए, तो हल्का सा टिल्टेड है ये ड्राइवर की तरफ। इंफोटेनमेंट सिस्टम के नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको हैजर्ड लाइट बटन मिल जाएगा, एसी वेंट्स पे भी आप देख सकते हैं रेड कलर की हाईलाइट्स मिलेंगी, एंड नीचे आप देख सकते हैं ये जो कंसोल है ये आपने देख सकते हैं यहाँ पे आपको बटन मिलता है, स्विचेबल टाइप का कंसोल मिलता है जैसे कि आपने देखा है किया EV6 में, तो इसको आप क्लाइमेट कंट्रोल को भी ऑपरेट कर सकते हैं इस बटन को प्रेस करके और साथ ही साथ इंफोटेनमेंट सिस्टम को भी। बाकी नीचे आप देख सकते हैं वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं आपको, कूलिंग एंड हीटिंग दोनों फंक्शन मिल जाएंगे। नीचे आप देख सकते हैं 12 वोल्ट का एक्सेसरी सॉकेट, साथ में चार्जिंग पोर्ट्स, एंड ये आप देख सकते हैं वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है। यहाँ पे तीन आपको बटन मिलते हैं, सबसे पहले आप देख सकते हैं ड्राइव मोड मिल जाएंगे आपको, साथ ही साथ पार्किंग कैमरा के लिए आपको बटन मिल जाता है, और यहाँ पे आप सेंसर्स को भी ऑपरेट कर सकते हैं इस बटन के थ्रू। नेक्स्ट आप देख सकते हैं गियर ट्रांसमिशन लीवर, 7-speed DCT यूनिट मिलती है आपको। पीछे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक्स, ऑटो होल्ड, यहाँ पे आपको दो कप होल्डर्स मिल जाएंगे, स्लाइडिंग फीचर के साथ आपको मिल जाता है, ड्राइवर साइड आर्मरेस्ट जहाँ पे यूटिलिटी स्पेस मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करें सीट्स के बारे में तो एक बार आप क्लोजर लुक दे सकते हैं को ड्राइवर सीट का, यहाँ पे रेड कलर की आपको पाइपिंग मिल जाएगी, अगेन रेड कलर के इंसर्ट्स, एयरबैग आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें को ड्राइवर साइड डैशबोर्ड के बारे में तो अगेन ऑल ओवर दी डैशबोर्ड आप देख सकते हैं रेड कलर की आपको हाईलाइट्स मिल जाएंगी, ठीक ठाक स्पेस मिलती है आपको ग्लव बॉक्स में और ये कूल ग्लव बॉक्स मिलता है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको एम्बियंट लाइट्स मिलती हैं, 64 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं आपको एम्बियंट लाइट के। नेक्स्ट बात करें को ड्राइवर साइड सनशेड के बारे में तो वहां पर आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटर केबिन लाइट्स, सनरूफ को ऑपरेट करने के लिए बटन मिल जाएंगे, ये है IRVM। नेक्स्ट बात करें ड्राइवर साइड सनशेड के बारे में तो वहां पर आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा और साथ ही साथ सनरूफ मिल जाती है आपको, तो ये आप देख सकते हैं सनरूफ। तो ये तो बात हुई फ्रंट कैबिन के बारे में, और चलिए फ्रंट कैबिन से निकलकर एक बार मैं आपको रियर पैसेंजर साइड कैबिन भी दिखा देता हूं। ये आप देख सकते हैं एक बार फिर से कंप्लीट फ्रंट डैशबोर्ड व्यू, नेक्स्ट बात करें रियर पैसेंजर कैबिन के बारे में तो आप देख सकते हैं अगेन ब्लैक कलर फिनिशिंग में रियर पैसेंजर साइड डोर, डार्क क्रोम फिनिशिंग में मिलेगा आपको डोर ओपनर, डोर आर्मरेस्ट पे पावर विंडो के कंट्रोल्स, यहाँ पे यूटिलिटी स्पेस, और ये आप देख सकते हैं सॉफ्ट पैडिंग, और ये आप देख सकते हैं नीचे डोर पॉकेट्स, बोस के स्पीकर्स मिल जाएंगे, और ये आप देख सकते हैं रियर पैसेंजर कैबिन, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं।
और ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का लुक आता है फ्रंट डैशबोर्ड का। अच्छी बात है कि जो SX मॉडल रियर पैसेंजर केबिन से साथ देने लग जाएगा आपको SX ऑप्शन रियर पैसेंजर्स के कंफर्ट के लिए एसी वेंट नीचे यहां पे यूटिलिटी स्पेस चार्जिंग पोर्ट्स एक 5 वाला फील है वो आपको देने वाला है। गाड़ी में आपको 8 बोस के स्पीकर्स के लिए आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट मिलेगा दो कप होल्डर्स के साथ एंड रेयर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे आपको ब्लाइंड्स भी मिल जाते हैं। ये आप देख सकते हैं ब्लाइंड्स एंड चलिए बात कर लेते हैं इंजन स्पेक्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको मिलता है 1.5 टर्बो पेट्रोल इंजन जो जनरेट करता है 160 पीएस ऑफ पावर एंड 253 न्यूटन मीटर्स ऑफ पीक टॉर्क। ट्रांसमिशन ऑप्शन के बारे में बात करें तो 6 स्पीड मैनुअल एंड 7 स्पीड डीसीटी आपको ट्रांसमिशन ऑप्शन मिल जाते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक जरूर दें। तो चलिए इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करूंगा। तो गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट और बाइक चलाते समय हेलमेट लगाने में बिल्कुल ना शर्माएं, ये आप ही की सेफ्टी के लिए है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।